सॉरी फ्रेंड, क्या है ना, अभी जस्ट मैं रजनी का वीडियो देखी, तो जितना भी हो अपना बहन माना है मैंने उससे, वो मुझे दीदी बोलती है। ऐसे कुछ ना कुछ हमेशा किसी के साथ होता है, किसी का पास्ट होता है। और मैंने देखा जो अपना स्टोरी वो शेयर की, कैसे उसका बचपन कटा है, तो अपना भी टाइम मुझे याद आ गया। हालांकि आ गया कि हमारा बचपन भी बहुत मुश्किलों से गुजरा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ तकलीफ नहीं हुआ जैसे रजनी को जो फेस करना पड़ा, क्योंकि रजनी अपने घर की सबसे बड़ी थी। तो फ्रेंड, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अब बस कीजिए उस बेचारे को, इतना आप लोग टॉर्चर मत कीजिए, इतना बैड कमेंट मत कीजिए। और जैसे भी है, रियल आती है अपने ब्लॉग में, थोड़ा सा मैं आपको उसका स्टोरी साइड में लगा दूंगी, आप जरूर देखिएगा। तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई मैं। सो फ्रेंड, देखिए सबके पास में कुछ ना कुछ होता है ना, तो बस आप लोग बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो। अभी आपको ये सब एक ड्रामा लगेगा, लेकिन ड्रामा नहीं है। वो बेचारी जो भी बोल रही है अपना रियल स्टोरी सुना रही है, जो उसके साथ बीता हुआ है। तो प्लीज, अगर आप लोग किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो उसे इतना भी गंदा मत बोलो कि वो टूट जाए। आप लोग बहुत हद कर देते हो, इसलिए उसने अपना कमेंट भी ऑफ कर रखा है, क्योंकि आप बहुत गलत कमेंट करते हो। पहले तो हस्बैंड को लेके आप इतना गंदा गंदा कमेंट करते थे कि हस्बैंड नहीं है ऐसा वैसा, और जब फाइनली उसने कोशिश की और अपना हस्बैंड को दिखाया कि हाँ है, और मैं खुद उनसे मिली हूँ, खुद मैंने उससे बातें की है, तो कुछ मजबूरी हो जाती है, इस वजह से हस्बैंड नहीं आते हैं ब्लॉग में। लेकिन अभी आप उनको लेके इतना बोल रहे हो, मोटी है, काली है, गेंडी है, ये सब क्या वर्ड है, क्यों आप लोग ऐसा बोल रहे हो। जैसी भी है, वो अपनी लाइफ में खुश है, उसके फैमिली के साथ खुश है, उसके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग कौन होते हो बोलने वाले। तो प्लीज किसी को इतना भी आप लोग मत टॉर्चर कीजिए कि वो हिम्मत ही टूट जाए वीडियो बनाने के लिए भी। आज अगर वो पैसा कमा रही है, अच्छी लाइफ अपने बच्चों को दे रही है, तो उसकी मेहनत का फल है। वो नहीं चाहती कि उसका बचपन जैसा गुजरा है उसके भाइयों के साथ, उसका वैसा बचपन उसका बच्चों को गुजरे, तो बस वो पूरी कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है। वो किसी यूट्यूबर के पास नहीं जाती है, बल्कि बड़े बड़े यूट्यूबर उसके पास आते हैं। आपने देखा होगा ब्लॉग, हाल ही में आशीष नंदनी भी आए थे ना उनके घर, तो आज तक रजनी किसी के पास नहीं गई है, रजनी के पास सब जाते हैं। तो आप सोचिए फ्रेंड, सिमल को भी जैसे आप लोग बिगड़ा हुआ बोलते हो, है ना, तो छोटा में ही पापा नहीं थे, और इस कंडीशन से इन लोगों को गुजरना पड़ा है। जैसे कि रजनी ने बताया, कभी कभी भीख मांगना पड़ा है, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था उस टाइम, कोई भी नहीं। और रजनी भी उतनी बड़ी नहीं थी, जैसा कि उसने बताया 12-13 साल की थी। तो इस वजह से बस थोड़ा सा सिमल में बचपना है और कुछ नहीं है, बाकी वो भी दिल का बुरा नहीं है। आप लोग मिलोगे, बात करोगे, तब आप लोगों को मालूम चलेगा। आप पहले एक बड़े यूट्यूबर के पास जाइए, उसका हाव भाव, उससे बातें कीजिए, मिलिए, उसके बाद फिर रजनी के पास आकर रजनी से बात कीजिए, फिर आप लोग बताना कि दोनों में कौन बेस्ट है, बड़ा यूट्यूबर या फिर ये जो रियलिटी दिखाती है रजनी। वो बड़े यूट्यूबर तो आपको ऐसा करेंगे कि जैसे आप कुछ नहीं हो। जिसपे बीतता है, जिसपे गुजरता है, वही जानता है कि क्या होता है उनके साथ, है ना। कैमरा में, मोबाइल में आके सब बोलते हैं, आप आइए हमारे घर, हम फुल सपोर्ट करेंगे, ऐसे ऐसे, लेकिन वो रियलिटी नहीं होती है बड़े यूट्यूबर का, मैं जानती हूँ। लेकिन रजनी से एक लगाव मुझे हो गया, क्योंकि रजनी बाकी की तरह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम अपनापन सा लगता है रजनी के पास मुझे। इसलिए मैंने सिमल को राखी बांधा और मैं रजनी को बोली कि आप मुझे बड़ी दीदी बोलिए, आप मुझे बड़ी दीदी समझिए,
कुछ भी आपका प्रॉब्लम कुछ भी होगा बात होगा आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूंगी उसे दूर करने का। लेकिन आप लोग फिर मेरे में भी आ जाते हो बैड कमेंट करने कि व्यूज सब्सक्राइबर के लिए जाती है रजनी के पास। ठीक है मैं व्यूज सब्सक्राइबर के लिए जाती हूँ, लेकिन दिल का रिश्ता जो है ना फ्रेंड वो गलत नहीं होता है, वो कभी झूठा नहीं होता है। और दिल से मैंने रजनी को अपना बहन माना है फ्रेंड, प्लीज उसे और कष्ट मत दीजिए, उसे बैड कमेंट मत कीजिए। अगर आप लोगों को उसका वीडियो पसंद नहीं आता है ना तो आप लोग मत देखिए, जिसे दिल से सपोर्ट करना हो वो जरूर सपोर्ट करेंगे, मत देखिए उसकी वीडियो। लेकिन प्लीज उसे ऐसा गलत मत बोलिए, जरा सोचिए क्या उसे लगता होगा। आज तक उसके हस्बैंड उसके किसी फैमिली मेंबर ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आप लोग इतना उसे टॉर्चर करते हो, ऐसा मत बोलिए, बहुत खराब लगता है ना। क्योंकि वो हमेशा वीडियो में हंस के आती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई दर्द नहीं है कोई कष्ट नहीं है। तो बस मैं थोड़ा सा साइड में लगा दे रही हूँ उसका वीडियो, अब थोड़ा सा बस क्लिप देखिए उसका। हम लोग तीन भाई है, मैं एक बहन हूँ, हमारे एक भाई को आप लोग नहीं देखे हो, तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि हमारा स्टोरी आप भी जानो। कुछ लोग तो कुछ भी किसी के बारे में बोल देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कोई भी बच्चा बड़ा आदमी बन के पैदा नहीं होता, नहीं अच्छे बन के, मतलब नहीं पैसा लेके पैदा होता, नहीं अच्छा कपड़ा पहन के पैदा, सब नंगा पैदा होता है, ये तो पता ही है। बोलो फ्रेंड, झूठ बोल के हमें मिलेगा क्या? एक व्यूज, एक सब्सक्राइब, एक लाइक नहीं चाहिए। अगर ऐसा झूठ, अगर मैं झूठ बोलूंगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब मत करना। हमें पता है एक छोटा सा फ्रॉक था, हम ना बहुत बड़े हो गए थे, मतलब समझ सकते हो आप लोग 12 साल के बाद सब लड़की बड़े हो जाते हैं, प्यार देती हूँ तो मैं तो फ्रेंड थे। उसके बाद मैं बताती हूँ, उसके बाद ऐसे दिन कटते गए, चाची चाचा जी हमें बोर ना देते, सालों गुजार लेते हैं, मुझे पता है मेरी मम्मी पापा सब छोड़ गए थे, मैं अकेला हो गई थी। मैं आज इस वजह से हूँ ना, मैं पहले बदली थी ना अब बदली हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ यार। बस मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा आवाज उठा इसलिए क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है यार। बैड कमेंट क्यों पूरी तरह से टूट जाए, उसे अपना काम करने दीजिए, उसे चैन से थोड़ा जीने दीजिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे वीडियो में आती है रोती है, इतना हंसते जब वो रहती है तो कितना अच्छा लगता है। तो बस फ्रेंड प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, सपोर्ट नहीं करना मत कीजिए, लेकिन इतना टॉर्चर मत कीजिए उसे। बस यही मैं इस वीडियो में बताना चाह रही थी कि बस कीजिए रजनी को और बैड कमेंट आप लोग मत कीजिए, जैसे भी है बहुत अच्छी है, बाकी बड़े यूट्यूबर से तो बहुत ही अच्छी है, वो सबको दिल से सपोर्ट करती है सभी का, जो नहीं जानती है जिसे, लेकिन उस पर जो वीडियो बनाते हैं उसे मेंशन करते हैं, वो बिना जाने उसके बारे में उसे कम्युनिटी में पोस्ट करती है, आप उसके कम्युनिटी भी चेक कर सकते हैं। तो प्लीज मेरी सिस्टर को परेशान मत कीजिए, बैड कमेंट मत कीजिए उसे, जीने दीजिए शांति से, अपनी लाइफ में जैसी भी हो वो रियल दिखाती है। थैंक यू।